क्या आप जानते हो हमारा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो आपको कंप्लीट करने में 93 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ हमारा मिल्की वे गैलेक्सी ही 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। लेकिन क्या होगा अगर आपको 5 सेकंड के लिए वीनस पे भेजे तो क्या आप वीनस पे जिंदा रह पाओगे या फिर वीनस आपको खत्म कर देगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और इन 8 प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा है और सूरज से सबसे नजदीकी ग्रह मर्क्यूरी है और दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह वीनस है और तीसरे नंबर पे हमारी धरती है। लेकिन अगर आप वीनस पे किसी मिशन के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप वीनस पे लैंड करते हो तो आप 1 ही सेकंड में मर जाओगे, चाहे आप स्पेस सूट भी पहना हो, क्योंकि वीनस की सतह बहुत ही गर्म है और वीनस का सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस है। इतने में आराम से शीशा भी पिघल जाएगा। और इतना ही नहीं, वीनस का एयर प्रेशर धरती के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है, इसलिए सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट विनेरा 13 भी सिर्फ 127 मिनट्स तक ही ठीक से काम कर पाया। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि वीनस हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर आप किसी मिशन के लिए वीनस पे जाते हो तो आप शायद ही वापस आओगे, क्योंकि वीनस की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1350 पीएसए तक होता है और इतने प्रेशर में आप बच नहीं पाओगे। अगर आप किसी भी तरीके से वीनस के एटमॉस्फेरिक से बच भी जाए तो आप टॉक्सिक गैसेस से मर जाओगे, क्योंकि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। इस वजह से आप कुछ ही सेकंड में दम तोड़ दोगे। और अगर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए वीनस पे गए तो आपके लिए वो 5 सेकंड बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि वीनस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है और इस समय आपको सांस लेने में दिक्कत होगा और स्पेस सूट होते हुए भी आप कुछ ही सेकंड में दम तोड़ दोगे। इस वजह से कोई भी इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी वीनस पे जा नहीं पाएगा। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना।